हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। हेतल ग्रुप डेवलपर है ये, प्रोजेक्ट का नाम है रिद्धि सिद्धि। ये शांति गार्डन कैंपस में बना रहे हैं। शांति गार्डन पूरा एरिया है मीरा रोड ईस्ट में, और ये जो डेवलप कर रहे हैं ना, ये समझे कि बिल्डिंग पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बन चुका है। एक से डेढ़ साल में इसका पोजिशन है। आज इसी हेतल ग्रुप डेवलपर के जो रिद्धि सिद्धि प्रोजेक्ट है उसी के बारे में बात करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए पहले मैं दिखाता हूँ ये रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट जो बन रहा है वो किस टाइप का है, लोकेटेड कैसा, आसपास का एनवायरनमेंट, एलिवेशन, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज, यहाँ पे आसपास में क्या है चीजें, स्कूल कॉलेज, ये सब कुछ मैं पहले दिखाता हूँ इन डिटेल। उसके बाद में फिर बताऊंगा आपको साइजिंग प्राइजिंग क्या है, कहाँ पे कनेक्टेड है, आसपास में लोकेलिटी क्या है, वो सब कुछ समझेंगे। पहले देखते हैं इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, फ्लैट का साइज कैसा है, कैसा फ्लैट का फ्लोर प्लान वगैरह है, वो सब पहले देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। रिद्धि सिद्धि ये आप देख सकते हैं लोकेशन है, ये तीन रास्ते पे बिल्कुल ये बिल्डिंग बन रहा है। एक रास्ता आपको मीरा रोड को जाता है, एक रास्ता आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जाता है, और एक आप देखें शांति गार्डन कैंपस को जाता है, शांति गार्डन को जाता है। मैं आपको अंदर से फ्लैट दिखाता हूँ। ये तो मैंने बाहर से एलिवेशन दिखाया, बिल्डिंग कितना रेडी है वो मैंने दिखाया है। मैं पहले आपको 1 BHK दिखाता हूँ, उसके बाद 2 BHK, उसके बाद 3 BHK। ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है, और इसकी एक अच्छी बात यह है कि सारे रूम्स में इसमें बालकनी दिया हुआ है। अभी जो लेटेस्ट जितने फ्लैट्स बन रहे हैं बालकनी देखने को बहुत रेयर मिलता है, और कारपेट एरिया भी बढ़िया दिया है इन्होंने। यहाँ की एक और पॉजिटिव पॉइंट बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो कैंपस है ना, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आप देखें तो हिंदू लोकैलिटी ज्यादा है यहाँ पे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से एकदम टच है ये। ये इसका वॉशरूम है जो अभी बन के रेडी नहीं हुआ है, अभी ये 100% है ना, तो बन ही रहा है, फिनिशिंग हुआ नहीं है, बट यहाँ पे कमोड, वॉश बेसिन और प्लम्बिंग एक्सेसरीज वगैरह लगेगा, तो उसमें आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कितना स्पेस आपको मिल रहा है। वो जगह मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका किचन का एरिया है, और किचन के बाहर भी एक्स्ट्रा बालकनी दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन का ड्रेनेज भी दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट दोनों दिया हुआ है, प्लम्बिंग का कनेक्शन भी इसमें रहेगा। आज ही एक इंसिडेंट हुआ है कि मेरे और बिल्डर के प्राइस में, दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं रिद्धि सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। तो कस्टमर ने कंप्लेन किया कि क्या डिफरेंस है, बाद में फिर पता चला हमारी प्राइस और उनकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। तो दोस्तों, कभी भी मैं हर एक वीडियो में एक कॉमन चीज़ तो जरूर बोलता हूँ, कस्टमर को पता नहीं चलता है कि कितना भाव कहाँ चल रहा है, तो आप चैनल पार्टनर या डीलर को साथ में लेके ही जाओ ताकि आपको प्राइस सही पता हो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए ज़्यादा देके आ जाते हैं अगर आपके पास सीपी साथ में नहीं होता है, तो बिल्डर भी बिंदास रहते हैं कि भाई प्राइस हमको जो देना है वही देना है, कस्टमर को क्या मालूम है। किसी भी सीपी को ज़रूर साथ में लेके जाओ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये इसका मास्टर बेडरूम का बालकनी है। से कई एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में कस्टमर को अलर्ट करता हूँ। आपके पहचान में जो भी कोई हो तो आप लेके जाओ, जो भी आपके जान पहचान में हो, जो जानते हो, अगर उनको जानकारी नहीं है तो हमारी टीम को फोन करिए, मुझे फोन करिए, आप मेरी टीम जाएगी आपको काम करा के देंगे। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जहाँ पे अभी वॉश बेसिन, बाथ एरिया, टॉयलेट एरिया सब बना के मिलेगा, अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, इसके लिए आपको इस टाइप का दिखाई दे रहा है। इसमें प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, प्राइस काफी बढ़िया है। ये हमने 1 BHK देखा, अभी मैं इसके बाद आपको दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ जो 2 BHK की प्रॉपर्टी है। टू बी एच के का आप देखें तो काफी बड़ा स्पेसियस
लिविंग डाइनिंग एरिया इसका दिया हुआ है, डाइनिंग का अलग से स्पेस दिया हुआ है और वास्तु को काफी अच्छा ख्याल में देखा, देख सकते हैं आप धूप ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, प्रॉपर ईस्ट वेस्ट है। और ये जो बालकनी है, इतना बड़ा बालकनी आपको पूरे में नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट फ्लोर होने के कारण आपको बालकनी मिल रहा है इतना बड़ा। आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको 2.5 से 3 फुट की बालकनी मिलेगा, ये बड़ी बालकनी वाली फ्लैट्स है। विंडो के साइड से आप देख सकते हैं क्या इसका स्पेस है। इतना कारपेट बहुत रेयर आज के डेट में मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा कारपेट इन्होंने बनाया है फ्लैट्स में। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। बाकी कहीं पे भी आप पैसे खर्च करते हैं छोटा मोटा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि इतना छोटा अमाउंट होता है कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई ना कोई एडवाइजर, डीलर, चैनल पार्टनर को लेना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे दूसरा दो चीज़ें हैं, एक डॉक्यूमेंट्स भी है, लोकेशन भी है, अप्रिसिएशन भी है, प्राइस भी है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाता है अगर आपका एक साथ में अच्छा एडवाइजर होता है जिसको नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का, जो एक रेप्यूटेड हो मार्केट में। छोटे मोटे मैं ब्रोकर की बात नहीं कर रहा जो आपको कहीं भी जाके ज़्यादा प्राइस दिलवा दे, मैं प्रॉपर एक ऐसे डीलर जो जिसको अपने नाम और रेपुटेशन की पड़ी हो। ये इसका कॉमन बेडरूम है। और कॉमन बेडरूम में भी आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट का बालकनी दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूं और उसके बाद में 3 BHK आपको दिखाऊंगा। 3 BHK आप देखें बहुत ही जबरदस्त बनाया है इन्होंने। नीचे जो आप पट्टियां देख रहे हैं, इन्होंने फ्लोर पे कुछ गत्ते के ठे लगाया है ताकि स्क्रैच नहीं आए टाइल्स के ऊपर। टाइल्स सब जगह लग चुका है, ऑलरेडी फिनिश्ड होने को है। ये इसका सेकंड मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में अंदर वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, साथ ही साथ बड़ी बड़ी बालकनी भी है। और चारों तरफ का एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुश्किल से आप 3-4 मिनट में पहुँच जाते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको, 3 BHK दिखाता हूँ इसका। ये तो हमने 2 BHK देखा, ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज सबका सेम ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं। आजकल के प्रोजेक्ट में कुछ बेसिक चीज़ें देखना जरूरी होता है जो कस्टमर को मालूम नहीं होता है, जैसे बैंकिंग अप्रूवल है, साथ ही साथ रेरा नंबर है, CC है, ये सब 3-4 चीज़ें बेसिक जो बहुत सारे कस्टमर को नहीं मालूम है। जो एक डीलर के साथ आप जाते हैं या चैनल पार्टनर के साथ जाते हैं तो आसान हो जाता है आपको। ये इसका 3 BHK का फ्लैट है। 3 BHK में आप देखें तो एक डाइनिंग एरिया का स्पेस, लिविंग एरिया का स्पेस काफी वास्ट बड़ा दिया हुआ है। ये इसका बालकनी है। इसके बाद में विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ पाएंगे कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है। और आगे मैं जब प्राइस बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे, प्राइजिंग भी इनका काफी बढ़िया है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि ओपन किचन का कंसेप्ट रखे हैं ये लोग और किचन के सामने ही डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है। किचन के बाहर वॉशिंग मशीन के लिए भी बड़ा सा जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप ड्राई एरिया बना सकते हैं, जहाँ ड्रेनेज का लाइन दिया हुआ है पानी के लिए, जहाँ वॉशिंग मशीन अगर वॉश करें तो ड्रेनेज के लिए भी आसान हो जाए। और 3 BHK के हिसाब से किचन का स्पेस हमेशा बड़ा होता है, जो इन्होंने ध्यान में रखा है उन चीज़ों को। इसके बाद हम तीनों बेडरूम देखते हैं इसका किस टाइप का है।
पहले तो कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ मैं। जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वो तो है ही, हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं दोस्तों, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल्स टीम काम करती है वैसे हम लोग एज ए चैनल पार्टनर काम करते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी खरीदना हो तो फोन करें ही, आप हमें फोन करें। अगर आपको डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फोन करें, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में। ये इसका पहला बेडरूम है जिसमें 3 से 4 फुट की बालकनी है। इसके बाद 2 बेडरूम देखते हैं। जनरली 3 BHK में जो कंसेप्ट होता है ना, वो 2 बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम होता है और 1 कॉमन बेडरूम होता है। आजकल बिल्डर अलग अलग अपने तरीके से बनाने लग गए हैं, बट 1 कॉमन बेडरूम यानी उसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता और 2 अटैच्ड वॉशरूम होता है यानी 2 मास्टर बेडरूम होता है। जैसे आप ये दूसरा बेडरूम देख रहे हैं, एंट्री करते ही सबसे पहले आपको वॉशरूम मिल रहा है जो प्रॉपर 1 ही कॉमन वॉशरूम है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, टॉयलेट के लिए, बाथ के लिए बेसिन भी इसमें लग के आएगा आपको, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है। ये इसका बेडरूम है, सामने वार्डरोब का जगह दिया हुआ है और स्पेस भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप 6x6 का बेड डालते हैं ना, उसके बाद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको यूज़ करने को मिलता है। और ये बालकनी का इसका जगह है और व्यू काफ़ी बढ़िया है। पीछे इसके सारे जो फ्लैट है प्रॉपर ईस्ट वेस्ट है, वास्तु इसका बहुत अच्छा है। अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो आपके लिए घर ये जो प्रोजेक्ट है परफेक्ट है हर मामले में। ईस्ट वेस्ट से आपको एंट्री एग्जिट मिल जाता है। और ये इसका 3rd बेडरूम है। थर्ड बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है, सामने वार्डरोब का स्पेस बना हुआ है और ये सबसे बड़ा बेडरूम है। इसमें भी देखें 3 से 4 फुट की बालकनी दिया हुआ है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है 3rd मास्टर बेडरूम का। इसके बाद मैं आपको फिर पूरा 3 BHK के अंदर से व्यू दिखाता हूँ, क्या स्पेसियस व्यू है इसका। इसके बाद मैं इसके साइजिंग प्राइजिंग डिटेल्स की बात करूँगा। ये अंदर से व्यू है इसका। नीट एंड क्लीन फ्लैट है, वास्तु से प्रॉपर है। इस तरह की प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्टमेंट भी आपका काफ़ी बेनिफिशियल होता है और ये लोकेशन ऐसा है यहाँ से किसी भी तरह का अगर आप लेके रहना भी चाहें तो भी आपके लिए बढ़िया है, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें तो भी, दोनों लेवल पे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट है, आप परचेस कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा एमिनिटीज नहीं है, मैं बता दूं कि बहुत सारे कस्टमर्स का ऐसा चॉइस रहता है कि सिंगल स्टैंड अलोन टावर हो, यहाँ पे लिफ्ट आने वाला है और ये स्टेयरकेस है, सिंगल स्टैंड अलोन टावर हो तो उनके हिसाब से, उनके चॉइस के हिसाब से बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, इनको ज़्यादा एमिनिटीज़ वगैरह नहीं हो। 2 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसमें, वो मैं आगे डिटेल में आपको बताऊँगा। ये तो मैं प्रोजेक्ट का दिखा रहा हूँ क्या स्टाइल से बनने वाला है, इसका पैटर्न कैसा है, फ्लैट कैसा है, तो वो सब आप समझ लिए। अब आप देखते हैं डिटेल इसका कैसा है, वो समझते हैं दोस्तों। रिद्धि सिद्धि का जो आपने अभी प्रॉपर्टी देखा है ना 1, 2 और 3 BHK का, इसको मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अभी 1 साल में इसका पोजीशन देने वाले हैं और 2 एकड़ का पूरा इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 2 टावर बन रहा है। टावर 1 जो है वो 16 माले की बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। और टावर 2 7th स्टोरी टावर आने वाला है जो अभी स्टार्ट होगा बनने के लिए, तो उसमें भी हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रहेगा, 1 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और 1 स्टेयरकेस रहेगा। ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल इसका कमर्शियल है, फ्रंट साइड में, बैक साइड में पार्किंग रहेगी। रेसिडेंशियल स्टार्ट हो रहा है 2nd फ्लोर से। रेरा में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो P517000230670 ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा के नंबर पे जाके एक बार आपको जरूर देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है दोस्तों। बिल्डर का पोजीशन तो ये 2023 में आपको दे देंगे, 2023 में दे देंगे। रेरा में इसका पोजीशन 2024 में है, वो एक साल तो आजकल हर एक बिल्डर
बफर टाइम लेके चलते ही हैं। सीसी इसका रिसीव्ड है पूरे बिल्डिंग का, व्यू इसका सिटी का व्यू है और बैक साइड का ऊपर से देखेंगे तो आपको पीछे का नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे तो वो भी इजिली आपको लोन हो जाएगा। बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के रेडी है, एक डेढ़ साल में फिनिश करके आपको दे देंगे। SBI, HDFC, एक्सिस, LIC किसी भी बैंक से लोन लेना चाहें तो इजिली हो जाएगा लोन। इसमें एक समझने वाली बात, एक और अच्छी बात है कि रेरा नंबर आया है, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड किया हुआ हो तो कहीं ना कहीं उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1BHK, 2BHK, 3BHK जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिसमें कि विदाउट बालकनी और बालकनी दोनों है। अब इसमें 1BHK का जो कारपेट एरिया है वो 424 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है, यानी 424 स्क्वायर फुट का, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 54 लाख से 65 लाख तक है। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब में बड़ी बड़ी बालकनी दी हुई है, किसी में 75 स्क्वायर फुट का, किसी में 100 स्क्वायर फुट का। मैं बालकनी के बगैर आपको साइज बता रहा हूँ। 2BHK का कारपेट जो है वो 594 स्क्वायर फुट है, प्लस अगर 100 फुट का बालकनी आप जोड़ेंगे तो ये 694 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कारपेट एरिया है। आपको मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ, आप देख ही सकते हैं कि समझ सकते हैं उस साइज से क्या होगा उसका। इसका फ्लैट कॉस्ट 79 और 89 लाख के बीच में है। 3BHK का कारपेट एरिया जो है 881 स्क्वायर फुट है, प्लस 125 स्क्वायर फुट का इसका डेक, तो आप समझें लगभग 1000 प्लस इसका कारपेट एरिया है, जिसके स्टार्टिंग प्राइस 1,15,00,000 से 1,25,00,000 तक है, यानी 1.15 to 1.25 CR तक है। तो ये एक काफी बढ़िया इसका कॉन्फ़िगरेशन है। इसका देखेंगे ना 1BHK, 2BHK, 3BHK की साइज बहुत बढ़िया है। और टावर 2 में सिर्फ 1BHK है जो 444 स्क्वायर फुट का है, 444 स्क्वायर फुट का है, जिसके स्टार्टिंग प्राइस 55 से 65 लाख तक है। तो ये तो मैंने आपको साइजिंग बताया, प्राइजिंग बताया। अब मैं पार्किंग बारे बता दूं कि इसमें 6 लाख रुपए का पार्किंग है, अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहें तो उसके लिए फ्रीडम है। और बल्क में प्रॉपर्टी लेता हूँ ना सेल करने के लिए, उसमें कस्टमर को जो मिलता है डिस्काउंट मिलता है, जो भी भाव मिलता है, उससे कहीं ना कहीं देखें तो हमें 100-200 रुपया पर स्क्वायर फुट कम मिलता है। वो हिसाब से जो हमें बेनिफिट होता है ना उसका बल्क में प्रॉपर्टी बेचने का। वैसे तो हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही हैं, कस्टमर से हमारा कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हमारे जो और भी बल्क में प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है उसका कुछ पार्ट हम कस्टमर से शेयर करते हैं जो गिफ्ट वाउचर के रूप में। इसमें 1BHK में 25,000 का, 2BHK में 35,000 का और 3BHK में 45,000 का स्ट्रेट गिफ्ट वाउचर रहेगा। आज जब ये वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, वीडियो पब्लिश करने का डेट आप देख लें, तब से लेके जब तक पोजीशन नहीं हो जाता बिल्डिंग का तब तक ये ऑफर इसमें रहेगा दोस्तों। जिस टाइम आप बुकिंग करेंगे उसी टाइम एग्जैक्ट मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारी ओर से गिफ्ट वाउचर का एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलता है आप हमारे थ्रू बुकिंग करते हैं तो। अब इसके ऊपर फिर आपको गवर्नमेंट का चार्जेस, पेपर वर्क वगैरह जो है वो लगने वाला है। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको समझना जरूरी है। जो आप समझ लें पहले, आप ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, एक फ्लैट, दो फ्लैट, जोड़ी या इनसे चार फ्लैट खरीद सकते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर छोटे सीपीस के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफर मिलता है, वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीस को मिलता है। आप हमारे थ्रू फ़ोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हम करवा के देंगे दोस्तों। कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास, डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जरूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद, हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर
कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी दो टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। तो आप अगर सीपीएस के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पर 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी न किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पे चल रहा है। एमिनिटीज़ इसमें रूफटॉप गार्डन, योगा मेडिटेशन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ये सब यहाँ के एमिनिटीज़ आने वाला है। कनेक्टिविटी आपको जानना जरूरी है, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या रहने के लिए घर ले रहे हैं तो आसपास की कनेक्टिविटी आप समझ लें। 2 से 5 मिनट के अंदर आप सेंट थॉम पब्लिक स्कूल, जेडी हाई स्कूल, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, एलआर तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज, बस स्टॉप, गैलेक्सी हॉस्पिटल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरबीके बैंक, महाकालेश्वर महादेव मंदिर, चर्च, मस्जिद, द बॉनबॉन क्लब, मीरा भाईंदर गार्डन, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट वगैरह भी देखें तो 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप मीरा रोड स्टेशन, रॉयल कॉलेज, कासीमीरा पुलिस स्टेशन, घोड़बंदर रोड, दहिसर चेक नाका, ठाकुर मॉल, आइनॉक्स जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड के शोरूम हैं यहाँ पे, जिसमें नाइकी, रिबॉक, पुमा, एडिडास, स्केचर, पेंटालून, ये सब भी आप मुश्किल से यहाँ से 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। मैक्सेस मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, फाउंटेन होटल, दिल्ली दरबार होटल, ये सब आप 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 30-45 मिनट के अंदर आप गोराई बीच, उत्तन बीच, वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, ग्लोबल विपश्यना पैगोडा, जीवदानी मंदिर, सूरज वाटर पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब आप 30 से 45 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं, जो बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वर्सोवा बीच, मड मार्बे बीच, माइंड स्पेस, आईटी पार्क, गोरेगांव, फिल्म सिटी, पवई लेक, बंडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बंडा वर्ली सी लिंक, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, गिरगांव चौपाटी, तारापुर वाला एक्वेरियम, मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम, क्रॉफर्ड मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कोलाबा एंड एलिफेंटा कैब, ये सब जो मुंबई की फेमस चीजें थी वो भी यहाँ से मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं। दोस्तों मुंबई से बाहर हैं तो उनके लिए ये नॉलेज जरूरी है। आइए जानते हैं हमारे किन किन सर्विसेज के जरिए और भी हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट करवाते हैं। दोस्तों सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊं, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में तो हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20, 30-30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है, गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपए कम भाव में बेचा है। तो ऐसे जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है, जो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। बैंक ऑप्शन करती है, कोई कुछ जो ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑप्शन में चली जाती है तो वो सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी पीएलसी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं, फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और
आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप से ज्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सएप हमेशा यूज करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है। आप आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है, तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज हो, तो आप उसको परचेस करके उसका फायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, फायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं, कोई चैनल पार्टनर नहीं हो, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाजत। दोस्तों, नमस्कार।